कभी उनके भविष्य बिल्कुल खतरे में है, इसी की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब बांग्लादेश से आप लोगों को पुनर्वासित किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तब तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, सडनली ऐसी क्या समस्या अराइज हो गई कि आपको जंतर मंतर का रुख करना पड़ा? उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया में, हमारे जो चाकमा हाजोंग चाकमा जो बुद्धिस्ट है वो हाजोंग हिंदू है, उसका पुरजोर विरोध किया था और चित्तागांव हिल ट्रैकिंग को भारत के साथ विलय करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी। हमारे जो पूर्वज थे, एक लीडर थे सनय कुमार चाकमा, यहाँ पे इंडिया में न्यू दिल्ली में भी आए, जवाहरलाल नेहरू जी से भी बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से भी बात किया, उन्होंने ये बात रखी कि हम लोग इस भारत के साथ विलय होना चाहते, भारत के साथ मिलना चाहते, लेकिन उनकी बात को नहीं मानी और हमारे लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग इस पाकिस्तान में चले गए। और हम लोगों ने 1947 में जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता हुआ था, उसमें भारत का तिरंगा हम लोगों ने इस पाकिस्तान चित्तागांव हिल ट्रैक में फहराया। हम लोग को पता उस समय चला जब 17 अगस्त 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में कि चित्तागांव हिल ट्रैक इस पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश में विलय हो गया है। उस समय जब तिरंगा फहरा रहे थे बांग्लादेश के आर्मीज ने, बांग्लादेश के फौजियों ने हमारे लोगों को बहुत अत्याचार किया है। उसके बाद हमारी जो दर्द है उस समय तक नहीं थमी। उसके बाद 1960s में जब कनकुली रिवा पे कुछ हमारा प्रोजेक्ट आया, उसमें एक डैम बनने की कोशिश की, बनाई गई कप्ताई डैम में 1964 में, रातों रात हमारे जितने गांव थे, हमारे जितने घर थे, नदी में डूब गए, तरह जानमाल की हजारों लोगों की जानमाल चली गई और हमारे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पहाड़ में कहाँ चढ़ेंगे, तो इधर से इधर पूरा हमारे लोग बिछड़ गए। उसके बाद हमारे लोग पहले से भारत आना चाहते थे, तो भारत ने शरण लिया है। उसके बाद भारत को उस समय 1962 में एक इंडो चाइना वॉर आपको याद होगा उस समय चली थी, जिसमें काफ़ी जगह चीन ने भी हमारे हड़प लिया था। उस समय इंडिया गवर्नमेंट को ये लगा, उस समय अरुणाचल नहीं था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, कि जगह खाली रखना सही नहीं है और लोग बिल्कुल घने जंगल थे अरुणाचल में, उस जगह को स्ट्रेटेजिकली केवल चाकमा नहीं जो BSF के थे, ये असम राइफल फॉर्मर असम राइफल जो एक्स सर्विसमैन उनको 2000 एक्स सर्विसमैन और चाकमा लोगों को वहाँ पे हाजम लोगों को बचाया गया है स्ट्रेटेजिकली। वो देन जो नेपाल के गवर्नर की थे और उनके सेक्रेटरी ने PL लुटरा के रिकमेंडेशन से हुआ है, हम लोग का वहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंट प्लान से ही बचाया गया है और पार्मनेंटली बचाया गया है। बाद जब 1987 में अरुणाचल यहाँ पे नेपाल अरुणाचल बना, उस समय से हमारी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत दिशा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सारा आपको कर दिया, भारत की नागरिकता मिल गई, तो भारत के नागरिक होते हुए भी अब आपको यही समस्या आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? प्रेजेंट में स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसमें मुझे लगता है वो संविधान के साथ नहीं चल रही है। संविधान के साथ चलती, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दायरे में चलती तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वहाँ पे एक पॉलिटिकल विल की बहुत कमी है वहाँ के पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर में, क्योंकि वहाँ पे एक वीर तंत्र के साथ चल रही है सरकार। वहाँ पे वीर तंत्र जो कहती है वो सरकार वही कर रही है, इसलिए तरह तरह के इलीगल काम हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बाहर काम हो रहे हैं, और इसलिए ये भी एक RPC जो आपको रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट चकमा लोगों को इलीगली और आर्बिट्रेरी जिस तरह कैंसिलेशन है उसका एक नतीजा है। इसी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार के सामने हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को बुद्धिस्ट होना, हम लोग का एक बुद्धिस्ट होना एक हमारे लिए कोई अपराध है क्या? हाजोंग जो हमारे भाई बहन हैं यहाँ हिंदू है, उनके लिए हाजोंग होना कोई अपराध है क्या? हम लोगों ने 1947 में विरोध किया है भारत के साथ विलय होने के लिए, उसका हम लोग को विलय होने का हमारे के कोई अपराध है क्या? क्या 1962 में हम लोगों ने एक हम लोग को ह्यूमन सील के रूप में हम लोग को वहाँ पे बसाया गया है, उसके लिए हम लोगों ने कोई अपराध किया है? वही अपराध हम लोग अभी भुगत रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के जंतर मंतर से हम लोग ये मांग कर रहे हैं RPC को तुरंत विड्रॉ किया, ये जो कैंसिलेशन है उसको विड्रॉ किया जाए, रिवोक किया जाए, और क्योंकि इसमें तरह तरह के सिक्योरिटी इश्यूज भी है, केंद्र सरकार जो होम मिनिस्ट्री है उसको संज्ञान में लेनी चाहिए। भारत का जो अरुणाचल का जो सीमा रेखा है, सीमावर्ती इस देश है, चाइना उधर तरफ है, इधर म्यांमार है, उन लोगों में उनकी एक स्ट्रेटेजी में मानता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, हमारे RPC देने से हमारे जो युवा है चकमा हाजोंग के लोग, काफ़ी लोग अग्निवीर के साथ साथ और काफ़ी क्लाइमेटिक फोर्सेज में ज्वाइन किया है, उससे ये वहाँ की जो सीमावर्ती इलाकों में स्ट्रेटन हुई है, और मुझे लगता है कुछ अंदरूनी कुछ यहाँ पे तत्व भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ से बाहर चाइना के भी हाथ हो सकता है कि वहाँ के लोग आर्मी में फौजी में जगह ज्वाइन कर रहे हैं, इसको रोका कैसे जाए? जो वहाँ पे कुछ
ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उस पर संज्ञान में भारत सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं लेगी तो मुझे लगता है भारत में सीमावर्ती सुरक्षा के मामलों में बहुत दिक्कत आ जाएगी, खास करके हमारे युवा शक्ति जो है। मेरा नाम प्रियंका चकमा है, मैं अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वोमेन भी। मैम क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमारा जो प्रदर्शन का मेन मकसद है कि हमें जो आरपीसी है वो वापस किया जाए, क्योंकि आरपीसी डिनाई करने का मतलब है कि आप चकमा हजोंग कम्युनिटी की जो यूथ है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जबकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन की सबको शिक्षा का अधिकार, यानी कि सब चीज में बराबर का हक है, तो आप वो हक हमसे क्यों ले रहे हैं? अगर आप हमसे बाकी की चीज़ों में मांगते आप तो हम सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन आरपीसी को हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। मेरा लाइफ जो है वो हो गया है, लेकिन जो हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं ये फ्यूचर में ये हमें ब्लेम करेंगे ना। एक बच्चे अगर एक बच्चे की बात आती हमारी बात आती तो हम उसको सहन कर लेते एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन जहाँ पे अभी जो बच्चे अभी जन्मे ही नहीं है, जो अभी फ्यूचर देखा ही नहीं है, उनका तो अंधकार हो जाएगा ना भविष्य। केंद्र सरकार से दिल्ली के जंतर मंतर से क्या मांग कर रही हैं? इस पर हम दिल्ली में जंतर मंतर में आने का मेन मकसद है कि इस पर केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे बारे में सोचना चाहिए, राज्य सरकार कुछ नहीं करे तो इसमें केंद्र सरकार से भी हम रिक्वेस्ट आग्रह कि वो इस पर ध्यान दे और हम बच्चों को अंधकार से निकाले, हमें भी रोशनी दे, हमें भी उड़ने का हक है। जो इतने युवा है, स्पेशली जो यूथ है, आप जानते हैं कि जो हम लोग पूरा बैकवर्ड जगह से आते हैं, 10-15 साल में शादी की बात हो जाते हैं गाँव में, इसी बहाने अगर आप हमारे बच्चों को आरपीसी कैंसिल करेंगे तो वो 12 के बाद तो गांव में रहेंगे ना। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए विकास कर रही है, लेकिन वो बड़े बड़े मुद्दे पे कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट रोड बना रहे ना, लेकिन छोटे मोटे इशू है, ये हमारे छोटे इशू नहीं है ना, इसमें हम कितने 7-17 हज़ार लोगों का जीवन तो अंधकार हो गया ना। केंद्र सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री कई बार बोलते हैं कि केंद्र सरकार के मंत्री महीने में 15 दिन में एक बार वहाँ जाते, उनसे आपकी चर्चा वगैरह हुई? चर्चा तो अभी तक हमारे से डायरेक्टली नहीं हुई, क्योंकि कभी पहुँची भी नहीं है। जो ये पत्राचार वगैरह कोई क्रॉस्पॉन्डेंस वगैरह सरकार के साथ हुआ अभी तक? श्री जो पत्राचार हुई है, श्री का मेमोरेंडम हम लोगों ने सबमिट किया है, जो सरकार के कहना है कि हमारे ये सबका साथ सबका विश्वास है, इसका ये जो उनका स्लोगन है, हम उसके साथ, हमें बिल्कुल सबका विकास हम उसके साथ है, लेकिन सबका साथ अगर हम लोग सबका साथ में हम चाकमा और हजम कम्युनिटी आते नहीं थे। अंत्योदय की बात करते हैं, हम लोग सबसे सुदूर बस्ती में रहते हैं, अंत्योदय की अगर बात करते हैं तो हमारा अंत्योदय नहीं होना चाहिए क्या? क्या हमारे ये सजा आप लोग इस तरह देंगे क्या? हमारी ये सजा है कि हम लोग इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ये सजा है कि हम लोग हायर एजुकेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं। सीरीज ऑफ मेमोरेंडम सरकार को, केंद्र सरकार को बताया, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, माननीय हनरेबल किरण रिजिजू अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारे उनको ज्ञान पता है पूरा हमारा, लेकिन उनको प्रधानमंत्री हनरेबल अमित शाह जी से मैंने खुद हम लोगों ने ईटानगर में बात किया है, उन्होंने ये कहा ये इशू बहुत बड़ी इशू है, नॉर्थ ईस्ट में जितने इशू खत्म हो गए लेकिन चकमा हजोंग इशू अभी खत्म नहीं हुआ है। 2019 में ये बात हुई, लेकिन अभी तक उस इशू बहुत 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 शुक्रिया मीडिया के माध्यम से। आप क्या देश के कोने कोने में पहुँचना चाहिए कि हम जो माननीय लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, देश में एग्जिस्ट करते हैं और न्याय मांग रहे हैं सरकार से, केंद्र से, राज्य से, सभी एनजीओ से। आज आप ज्ञापन ही देंगे या कुछ अगला कदम भी है आपको? हमारा ये 5वां प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम लोग होम मिनिस्ट्री, PMO, डिपेंडेंट जितने भी मिनिस्ट्री है सबको ज्ञापन देंगे, उसके बाद हमारे जितने भी मेट्रो सीरीज में हंगर स्ट्राइक में बच जाएंगे, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल और मिजोरम अरुणाचल में जितने कैपिटल्स है हमारे चकमा हजोंग कम्युनिटी एरिया, वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ईटानगर चलो के हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान है। आज की घोषणा बात आज हमारे 500 के आसपास वहाँ पे लोग थैंक यू